गई क्वीन. अभी देख कवर कवर कवर. ये गया साला. भाई क्या खेल रहा है? ए बद्री, तो चाय लेके आ रहे. ए शकील भाई, ए रुक भाई, भागो पुलिस आ रही, भागो. ए भाग सलीम भाग, रुक. तुमने अपने बेटे के खिलाफ झूठी गवाही दी? अरे तुम वहाँ थे नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं, तुमने झूठी गवाही दे कैसे दी? और लोग होते जो अपनी औलादों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये है, देख बेटे को वहाँ फांसी के फंदे में धकेला है. मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और शायद बहुत पहले करना चाहिए था. शकील, दुनिया की नजर में जो भी हो, लेकिन मेरी नजर में तो वो मुजरिम है, और मुजरिम का साथ देना भी जुर्म है. जवान बेटे की लाश देखने का दुख समझ सकते हैं आप लोग? इस घर के लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे. पर दुआ है इन्हें मेरी. सब्र करो आप, जाने भी दो. होना था वो हो गया. वसीम को क्यों मारा? मैंने वसीम को नहीं मारा. देख, सच बोलने की समय तेरे पास कोई चारा नहीं है, बोल. जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं मैं? आपके पास कोई गवाह या सबूत है? सबूत चाहिए तुझे? साले सबूत भी है और गवाह भी है. तेरा बाप अल्ताफ मियां, उसने हमें बताया कि तूने वसीम को मारा. मैं जानता हूं शकील ने ही वसीम का कत्ल किया है. आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि मैं अपने बेटे शकील को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. उसके डर से मोहल्ले का कोई भी आदमी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा. मैं ये भी जानता हूं दुनिया के लिए जो भी हो, पर मेरी नजर में वो मुजरिम है, कातिल. शकील वसीम को क्यों मारेगा? मेरी बेटी यानी शकील की बहन नफीसा, वसीम ने उसे छेड़ा था, बस इसी बात को लेकर दोनों में तू तू मैं हो गई, और इसी गहमा गहमी में उसने उसे मार दी. नहीं नहीं, मैं नहीं मानता. मेरे अब्बा ऐसा बोल ही नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा बोला भी है तो आप ये पता करो कि वो झूठ क्यों बोल रहा है. शकील के नाम पर यूं तो कई केसेस दर्ज थे, मारपीट, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, सट्टा चलाना, लेकिन उसके ज्यादातर केस इसलिए खारिज हो जाते थे क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने की कोई हिम्मत नहीं करता था. भोपाल में हुआ यह केस एक अनोखी मिसाल है, जहां एक बाप ने अपने ही बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे कानून के हाथों पकड़वाया, जबकि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था.
तो आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक बाप को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसा कदम उठाए? अल्ताफ मियां ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई शकील के हाथों वसीम का कत्ल हुआ था? एक कत्ल के केस से शुरू हुई इस कहानी में आगे चलकर कई सनसनीखेज खुलासे होंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। शकील को पिछले 7 महीनों से उसके केस की सुनवाई के तहत जेल में रखा गया था। अरे वाह भाईजान, तो फाइनली जा रहे हैं। आगे टिकट। पहले शकील भाई छोड़ के चले गए और अब आप छोड़ के भाग रहे दुबई, सात समुंदर पर, हमें संधे कुएं में छोड़कर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और शकील भाई के जेल जाने के बाद तुम तो हालत देख ही रही हो, और अब तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं बाहर जाऊंगा तभी तो इस घर की हालत सुधार पाऊंगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम सबको अपने पास बुलाने की कोशिश करूंगा। ख्वाब तो बहुत देखे भाईजान, लेकिन पूरे कितने होते हैं ये तो वक्त बताएगा। आपको तो आजादी मिल गई ना इस कैद से, आप जाइए। ये क्या कह रही हो तुम? अल्ताफ मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ मियां, वो शास्त्री नगर वाली जमीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा जमा के रखा हुआ है। हाँ तो? तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरा वो काम शकील मियां को कहकर करा दोगे तो मैं आपका भला हो जाएगा। खबरदार, जो कभी दोबारा ऐसे काम लेके मेरे पास आए तो अदालत में जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। जब तक अदालत का इंसाफ आएगा तब तक शायद हम ही इस दुनिया में नहीं होंगे। ऐसे कामों के लिए शकील भाई जैसे लोग ही सही होते हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तुम जैसे लोगों ने शकील से लोगों को बढ़ावा दिया है। मैं ना कभी जुर्म के साथ था और ना ही हूँ, पता है तुम्हें? मैंने खुद गवाही दे के उसे सजा दिलवाई। खबरदार, जो दोबारा ऐसे काम लेके कभी मेरे पास आए तो। मगर शकील भाई का काम तो हम संभालते हैं, अब चाचा के पास क्यों आ गए? अरे चलिए मेरे साथ। अरे मैं तो कहती हूँ कि ये दुबई उबई जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ काम और पैसे की कमी है क्या? मेरा बस चले ना तो मैं तो तुझे यहीं रोक लूँ। अम्मी, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन अब्बू चाहते हैं कि मैं नौकरी जरूर करूँ। अरे तू और तेरे अब्बा, पहले उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, अब मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। मेरा शकील होता ना तो कभी अपनी अम्मी की बात ना टालता। इसीलिए आज जेल में बैठा है वो, तुम्हारी बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी। खुदा के वास्ते अपने शैतानी ख्यालात इन बच्चों के जहन में मत डालना। ये शकील नहीं है ना, इसलिए सबकी जुबान खुल गई है। अम्मी, मैं हूं ना आपका बेटा, हा? और आज से शकील भाई की सारी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा, आप फिक्र मत करो। तो मैं चलूं? हाँ। कहां जा रही? वो भी इस वक्त शाम को, और ये लिपा पोती करके, ना बुर्का ना हिजाब। अरे लड़कियों को खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है, नहीं तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? और इस उम्र में नहीं करेगी तो कब करेगी? तुम्हें पता है तुम्हारी यही सोच इस घर को डुबा रही है। आपको भले ना हो, मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है। तू जा बेटा, जल्दी आ जाइए। जी अम्मी। जा, अल्लाह हाफिज़। अरे तू छोड़ ले, ये ले, प्रेस कर देंगे। चाची, शकील ने आपको देने को कहा है? शास्त्री नगर की जमीन के काम के लिए एडवांस है। ये शकील ही मेरा असली बेटा है, वहाँ जेल में बैठा हुआ है, पर देख अम्मी की कितनी फिक्र है उसे। ठीक है, तू जा। ठीक है चाची, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता चला अब्बा फोन नहीं लग रहा उसका। अल्लाह, कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, कह के गई थी सहेली, क्या गई है, वापस आ जाएगी। और करो मनमानी। नफीसा घर से तो निकली थी लेकिन लौट कर नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा था। घर के सभी लोग परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे। इस परिवार ने सारी रात उसे हर जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ये मेरी बेटी नफीसा कल शाम से घर नहीं लौटी, और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अल्ताफ, ये बुरा मत मानिए लेकिन डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, किसी के साथ अफेयर था इसका?
नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरी तो बात भी हुई थी उससे। उसने कहा वो सहेली के यहाँ गई है और जल्दी लौट आएगी। कौन सहेली, कहाँ रहती है और नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं मालूम। अल्ताफ मियां, किसी पर शक है? शकील के बारे में तो आप जानते ही हैं, हो ना हो ये वसीम के भाई हारून का ही काम है। एक एक को देख लूंगा मैं। वही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, हम लोग पता करते हैं। सर मेहरबानी करके मेरी बच्ची का पता लगाइए। सर लड़की 21 साल की है, पढ़ी लिखी। एक तरफ जहाँ शकील के कई दुश्मन हैं, वहीं ज्यादातर लोगों पर शकील का खौफ भी है। सर मुझे तो लगता है शकील के गैर मौजूदगी में कोई भी इस लड़की पर हाथ डाल सकता है। हो सकता है, जुर्म अपने दाग आसानी से नहीं छोड़ता है। जुर्म अपनी कीमत किश्तों में वसूल करता है। परिवार के अलावा नफीसा किन लोगों से मेलजोल था पता करो, उसके कॉलेज और दोस्तों से बात करो, कॉल रिकॉर्ड निकालो, फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी ये भी पता करो, हर पुलिस स्टेशन में उसके फोटो सर्कुलेट करो। और हाँ, इन्हें जिन पर शक है वो हारून। सर वसीम को मरे हुए 7 महीने हो गए। हारून इतना लंबा वेट क्यों किया? उसको कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। यही तो पता करना है। हो सकता है कि वो सही मौके की तलाश में और उसे वो मौका अब मिला हो। हारून से पूछताछ करो। ओके सर। वसीम की मौत का बदला लेने के लिए शकील की बहन नफीसा को उठवा लिया। कहाँ गायब किया उसे? यहाँ बोलेगा ले चलो थाने। औरतों से बदला नहीं लेता मैं साहब, अगर बदला लेना ही होगा तो मैं शकील से बदला लूंगा। साहब हम नफीसा को क्यों उठवाएंगे? उस लड़की के सर पर इश्क का भूत सवार था। मतलब उसका इश्क चल रहा था उस मुराद खान के साथ। मेरे बेटे वसीम को मरवा दिया और मौका मिलते ही भाग गई होगी उस नामुराद के साथ। हाँ सर इश्क था, लेकिन बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ। और फिर सर उसके भाई शकील के आदमी ने मेरे साथ बहुत मारपीट करी। सर उसके बाद तो मैंने नफीसा का नाम लेना भी बंद कर दिया। तो उसका बदला तूने नफीसा को गायब करके लिया, क्यों? सर ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मेरे ब्रेकअप के बाद मैंने खुद उसे एक दूसरे लड़के के साथ भी घूमते हुए देखा था। आप चाहो तो तहकीकात करवा लूं। वो तो हम कर ही लेंगे, फिलहाल तू शायद छोड़ के मत जाना। सुनी इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं सर। हाँ साहब मैंने देखा है, ये लड़की अक्सर मोशन फोटोग्राफर की दुकान पे आ जाया करती थी। साहब सर एक दिन नफीसा अपने कॉलेज की आईडी फोटो निकलवाने को आई थी और उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर मैंने उसका फोटो शूट किया और उसको एक्टिंग में ट्राई करने को कहा, लेकिन वो अपने भाई शकील से बहुत डरती थी इसलिए उसने एक्टिंग करने से मना कर दिया। नहीं नहीं फोटो ऑर्डर तक तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग शकील भाई जन को पता चला तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। सर वैसे शकील के जेल जाने के बाद नफीसा दोबारा से एक्टिंग ट्राई करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरोइन बनाने के चक्कर में तूने उसे मुंबई भेज दिया हो, या शकील के डर से वो कहीं चली गई हो और ये बात तूने किसी को ना बताई हो? अरे नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो इस बार तेरी फोटो हम खींचेंगे, समझा? नफीसा और मुराद के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद शकील ने मुराद को पीटा था। हो सकता है अपनी बहन को एक्टिंग में दिलचस्पी है, ये जानने के बाद शकील ने अपनी बहन के साथ भी ऐसा कुछ कर दिया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? शाम तक मिल जाएगी सर। इस वक्त सारे लोग हमारे शक के दायरे में हैं, इस शकील से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। क्या नफीसा गायब हो गई? हाँ, और तू सिर्फ इतना बता दे उसे तूने क्यों गायब किया और कहाँ गायब किया। मैं क्यों गायब करूंगा अपनी बहन को, मैं उसकी जहनी हालत समझ सकता हूँ। उसे ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे और अम्मी ने किसी अधेड़ उम्र के प्रॉपर्टी डीलर उमेर शिराजी से उसकी शादी तय कर दी थी जो नफीसा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अम्मी अगर नफीसा को पसंद नहीं है तो रहने दो और मिल जाएंगे रिश्ते। कहाँ से मिल जाएंगे? तू यहाँ जेल में बैठकर ढूंढेगा या वहाँ तेरे अब्बू मस्जिद में ढूंढेंगे? जवान लड़की घर में होती है तो उसकी फिक्र माँ को होती है, और अगर थोड़ा बहुत उम्र में बड़ा है तो ऐसा क्या हो गया? कम से कम ऐशो आराम तो है ना। अम्मी छोड़ो, खुदा के वास्ते नफीसा की खुशी के लिए जाने दो इस रिश्ते को, मुझे नफीसा की खुशी ज्यादा मायने रखती है। खान इस उमेर और नफीसा के रिश्ते के बारे में घर वालों ने हमें कुछ बताया नहीं। सर ये उमेर रसूख वाला आदमी लगता है, हो सकता है शकील के मना करने के बाद इस उमेर ने ही नफीसा को गायब किया हो। एक दिन वासिम मेरे घर आया था मेरी कुछ तस्वीरें देने के लिए, तभी अचानक मेरी नजर नफीसा की तस्वीरों पर पड़ी। एक मिनट मोहसिन मियां। हाँ ये कौन है मियां? ये अल्ताफ मियां और शबनम चाची की बेटी नफीसा है। वही बड़ी मस्जिद की गली वाले? हाँ वही।
नफीसा मुझे भाग गई थी और मैंने रिश्ते के लिए पैगाम भी भिजवाया था उसकी अम्मी को, शबनम को। शबनम मान गई थी, लेकिन नफीसा और उसका भाई शकील वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। बाद में शबनम ने भी मना कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई थी। ये ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे अपने आन का मसला बना लिया और नफीसा को कहीं गायब कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अगर गायब ही करना होता तो मैं रिश्ते की बात क्यों करता? और वैसे भी अकेली नफीसा नहीं है इस भोपाल में रिश्ते के लिए, अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छी इज्जत है मेरी। पैसों के दम पे ये कुछ भी कर सकता है, नजर रखना इस पर। यस सर। सर, नफीसा की लास्ट लोकेशन एमपी नगर एरिया के बड़े मैदान के पास की दिखा रही है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक नफीसा ने उस दिन मुराद, मोहसिन और शबनम के अलावा जरीना और निशात से भी बात की थी। सर, जरीना नफीसा की सहेली है। जी सर, नफीसा से अक्सर मेरी बात हुआ करती थी और कल जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ज्यादा परेशान भी थी, क्योंकि ना सर वो माँ बनने वाली थी। उसने सर मेरी बाजी से अपॉइंटमेंट भी लिया था अबॉर्शन के लिए। मेरी बाजी निशात, वो गायना कॉलेजेस है। सर, नफीसा आई थी मेरे पास, उसने अबॉर्शन के बारे में भी मुझसे बात की। उसने जिक्र किया था कि बच्चा किसका है? नहीं सर, उसने कभी बताया भी नहीं और हमने जोर भी नहीं दिया। कहीं कुछ पता चला सर मेरी बेटी का? अल्ताफ मियां, बेटी का तो नहीं लेकिन बेटी के बारे में पता चला है, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन के लिए उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली। क्या आप लोग ये बात जानते थे? नहीं सर, इस बारे में मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारी बेटी का किसी के साथ इश्क होता तो हमें भनक तो पड़ती। भनक पड़ भी जाती तो क्या कर लेते तुम? ये सब तुम्हारे शय का नतीजा, घर की बुनियादें तो पहले यही नहीं हुई थी, अब बेटी की इज्जत भी तार तार हो गई, क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को। अब तक लापता नफीसा के बारे में एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात सामने आई थी कि वो मां बनने वाली है, लेकिन सवाल यह था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिर है किसका, मुराद, मोहसिन, उमेर या फिर किसी और का। वो इस बच्चे को गिराना चाहती थी, पर आखिर वो गायब कहां हो गई थी, या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और ही वजह थी। वजह चाहे जो भी हो, पर इतना तो साफ था कि इस परिवार पर कई दुश्मनों की नजर थी, संदिग्धों की फेरिस्त लंबी थी। अमीना, हारून, मुराद, मोहसिन, उमेर, यहां तक कि शकील भी शक के दायरे में था। तेरा और नफीसा का तो ब्रेकअप हुआ था, फिर उसने तुझे कॉल क्यों किया? क्या ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को घुमाते अब तू पुलिस वालों को भी घुमाने की सोच रहा है? देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि नफीसा प्रेग्नेंट थी। हमारे बीच में अफेयर था, लेकिन वो हमेशा शादी से हिचकिचाती रही और मैं हमेशा उससे शादी करना चाहता था सर। एक तो तू शादीशुदा है, दूसरा धोखेबाज, और अब झूठ भी बोल रहा है, तेरी बातों पे यकीन क्यों करें हम? सच बता दे, उसने तुझे फोन क्यों किया था? देखिए सर, मैंने उससे मिलने की बात कही थी और उसने मुझे फोन करके ये कहा कि आइंदा मैं उससे मिलने की कोशिश ना करूं। दैट्स इट। वो तो इंस्टॉलमेंट में सामने आ रहा है, तुम याद रखना तेरा आखिरी इंस्टॉलमेंट इस जेल में ही खत्म होगा। खान, इस केस को अगर हम लोग रिवाइज करते हैं तो सीन ये बनता है कि हारून जो भाई के खून का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक एक को देख लूंगा मैं। दूसरी तरफ है मुराद जो ब्रेकअप की बात करता है। सर देखिए, ब्रेकअप उसने किया था। मोहसिन जो अपने आप को नफीसा का फोटोग्राफर बताता है, मैंने उसका फोटोशूट किया। उमर नफीसा से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नफीसा मुझे भाग गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मुराद ने नफीसा को प्रेग्नेंट बना के इसके साथ कुछ कर दिया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन मुराद अगर उस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन? मोहसिन, उमर या कोई और? नफीसा प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा गिराना चाहती। ऐसा भी तो हो सकता है कि बदनामी के डर से वो शहर छोड़कर भाग गई हो या खुदकुशी की हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो मुंबई चली गई, या किसी ने नफीसा को मारकर गायब कर दिया हो। ये भी हो सकता है। खान, जितने भी खबरें हैं सबको एक्टिवेट कर दो, नफीसा के बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। कहीं नफीसा की गुमशुदगी वसीम के कत्ल से तो नहीं जुड़ी हुई थी, जिसका अब तक शकील ने इकबाले जुर्म नहीं किया था? क्या वाकई शकील ने वसीम का कत्ल किया था? ये सारे सवाल अब भी जवाब के इंतजार में थे और पुलिस की तहकीकात दिन ब दिन उलझती जा रही थी। क्या रियान? सर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं, प्लीज टिकट आगे बढ़ा दीजिए। नहीं रियान मियां, आपको तो जाना ही होगा वरना जॉब निकल जाएगी हाथ से, सोच के बताओ मुझे थोड़ी देर में। ठीक। नहीं नहीं रियान, ये हालात वाला चलते रहेंगे, कितनी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली, तू जा। अब्बा, शकील भाई जेल में और नफीसा का कुछ पता नहीं, और ऐसे हालात में मैं आप सबको छोड़ के कैसे चला जाऊं?
काम, ये सब सोचना तेरा काम नहीं, मैं हूँ ना, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तू 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 जा। अब्बा मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे कदम उठेंगे ही नहीं, वैसे ही बहुत लोग की नजर है हमारे घर पे। तू क्या कर लेगा इन सब में, तू क्या कह रहा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक ही तो कह रहा है, घर में एक जिम्मेवार मर्द रहेगा तो अच्छा रहेगा, और ऐसा क्या कमा लेगा दुबई में जाकर, यहाँ पर शकील का धंधा संभाल लेगा, घर के बाहर न्यारे हो जाएंगे, और वैसे भी घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारी इसी सोच की वजह से इस घर की बर्बादी हुई है। देख बेटा, तेरे यहाँ रहने ना रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, सोच क्या रहा है, चलने की तैयारी कर। अल्ताफ मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान मियां, अब्बा सही कह रहे हैं, अरे भाई दलदल से बाहर निकलो और अपनी उड़ान भरो, इतनी मेहनत और इतनी जी जान से कोशिश करने के बाद अगर पीछे हटोगे ना तो खाली याद रह जाओगे। पूरा घर छान मारो, बैग चेक करो सर। पर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? पता चल जाएगा। क्या बात है सर, कुछ तो बताइए। अरे आप ऐसे कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? कैसे घुस सकते हैं ये भी पता चल जाएगा। सर लेकर चलो इन सबको। अरे मुझे। शकील को पिछले 7 महीनों से उसके केस की सुनवाई के तहत जेल में रखा गया था, और उसके परिवार वालों की जिंदगियों में उसके जेल जाने के बाद कई तूफान उठ खड़े हुए। बस पानी, चाय, नाश्ता सब कुछ मिलेगा तुझे। सिर्फ इतना बता दे, ड्रग के पैकेट तेरे पास कहाँ से आए, दुबई में तेरा क्या कनेक्शन है, और यहाँ किसके लिए काम करता है तू? मुझे कुछ नहीं पता सर, वो पैकेट शकील भाई ने अपने दोस्त इकबाल और सलीम के हाथ से भिजवाया, और उन्होंने कहा था ये शकील भाई का गिफ्ट है, दुबई जाके खोलो, और मैं कुछ नहीं जानता सर। शकील, अगर अपने भाई के साथ मिलकर तू नया कोई कारोबार शुरू कर रहा है तो इतना समझ ले, वो कारोबार तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा, भला इसी में सब कुछ सच सच बता दे। मैंने इकबाल और सलीम से कहा था कि रेहान को एक मोबाइल गिफ्ट कर दे, अब उस पैकेट में ड्रग्स कहां से आया मुझे नहीं पता। सर मेरा भाई पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मेरा बड़ा बेटा शकील कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने छोटे भाई रेहान को फंसा नहीं सकता। एक बार रेहान को गलती से उसकी बंदूक मिल गई थी तो। अम्मी। हाँ? अम्मी वो एक बार पैसे देने आएगा। कहाँ से मिली तेरे को? हाँ? यही रखी थी। शकील क्या कर रहा है? गन चाहिए तेरे को? गन चाहिए? अंदर अगर छूने की भी कोशिश की ना हाथ तोड़ दूंगा तेरा। शकील? अम्मी एक शकील पैदा हो चुका है इस घर में, दूसरा नहीं चाहिए मुझे, आपको जो चाहिए मैं लाके दूंगा। अब आप ही बताइए, ऐसा भाई अपने भाई के साथ बुरा कर सकता है क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। जब मेरे बेटे शकील के हाथों वसीम मारा गया था तो मैंने खुद उसके खिलाफ गवाही देके उसे सजा दिलवाई थी, फिर मैं यहाँ रेहान के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? वो ऐसा नहीं है, आप चाहे तो लोगों से पूछ सकते हैं, ये हमारे खानदान को बदनाम करने की साजिश। उधर मेरी बेटी नफीसा लापता है और इधर किसी ने मेरे बेटे को फंसा दिया। नफीसा का गुमशुदा होना और रेहान के बैग में ड्रग्स मिलना, कहीं ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है? ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। नफीसा के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, नफीसा की लास्ट मोबाइल लोकेशन एमपी नगर की है, हमने एमपी नगर पुलिस स्टेशन को खबर भेज दी है, वो लोग तलाश कर रहे हैं। आजकल के नौजवानों को अमीर होने की बहुत जल्दी होती है, जैसे रेहान के बारे में पता करो, किससे मिलता था, क्या करता था, सब कुछ, और इकबाल और सलीम दोनों को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। भाई आपने आज तक जो भी कुछ किया भले वो इस समाज और कानून के खिलाफ, लेकिन सारे दाग आपने अपने दामन पे ले लिए और हमें हमेशा साफ सुथरा रखा। मैं और नफीसा हमेशा आपके साए में खुद को महफूज पाते, ना जाने नफीसा कहाँ चली गई, क्यों चली गई, लेकिन भाई मैं वादा करता हूँ मैं दुबई जाके खूब मेहनत करूंगा और अब से मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। तो दुबई चला जाएगा तो यहाँ के झमेलों से छूट जाएगा, और रही बात नफीसा की तो उसके हाथ पीले करके उसे खैरियत से विदा करना है। भाई उसके साथ इतना कुछ हो गया लेकिन एक बार भी उसने बताया नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, हमेशा हंसते हंसते ही ताना मारती थी, कभी कभी तो डर लगता है भाई। अरे तू डर मत, तू जा, मैं हूं ना, बाहर होता तो तुझे इमाम जमीन बांध के विदा करता। ये क्वीन
मेरी है भाई बड़ी। अरे अरे क्या हुआ साहब? एक बात चल साहब, सब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, सब वो पैकेट ना रियान को दिया था, लेकिन लेकिन साहब उसमें ड्रग्स कहाँ से है साहब? हमें नहीं पता साहब। मोबाइल कहाँ से खरीदा था साहब? वो सलीम हरून के दुकान से लाया था साहब। फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सर सारी बस्ती और आसपास के इलाकों में रेहान के बारे में पता करके देख लिया, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पीछे से खड़ा हो। चल चल तेरा रिचार्ज करते हैं स्टेशन पे चल। हाँ साहब, जब मुझे पता चला कि रेहान दुबई जा रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, और मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना था साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? देख शकील, मैं तो तुझे सिर्फ साला बनाने की कोशिश कर रहा था। अबे औकात देखी अपनी, तुझे तो उठाएगी तो अपनी बहन दूंगा। अच्छा अरे शुक्र कर रिश्तेदारी जोड़ रहा हूँ, उठा के नहीं लाया उसे। किसी ने भी अपनी जुबान खोली ना, उसका भी यही हश्र करूंगा। एक तो उसने मेरे भाई को मार डाला, और ऊपर से सलीम रिहान के लिए फोन खरीदने मेरे ही शॉप पे आया साहब। शाम को आ, मेरे गोडाउन में ना एक लेटर सा फोन पड़ा हुआ है। अच्छा मैं ला के रखता हूँ। ठीक है मैं शाम को आता हूँ। हाँ ये अच्छा फोन है। कितने का? 10,000। इसको पैक कर दो। शकील तेरे घर से खबर आई है, तेरे भाई रियान को रिहा कर दिया गया है, किसी हारून ने उसे फंसाया था। ड्रग्स का केस तो हल हो गया, लेकिन 6 दिन से लापता नफीसा का कुछ पता नहीं चला। कहां थी वो, क्या बीत रही थी उस पर दुखों से घिरे अल्ताफ मियां के परिवार को रेहान की रिहाई से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन घर के अंदर और बाहर के लोगों के नजरिए में बदलाव आ गया था। आ जा बेटे चल चल। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा आ गया। कैसा है तू मेरे बेटे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मांगती हो तुम दुआओं में, किस मुंह से खड़ी होती हो इबादत में, माँ की जिम्मेदारी समझती हो? तुम जैसी माएं हैं जिनकी वजह से आज नौजवान नस्लों का यह हाल है। अपने बच्चों का भला चाहना अगर गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। शकील ने सारे घर की जिम्मेवारी ली, अपने छोटे भाई बहनों को वो एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था, और मैंने उसमें उसकी मदद करी, तो इसमें क्या गुनाह किया? गुनाह जिम्मेदार बनाने में नहीं है, गुनाह सही और गलत के फर्क को मिटाने में। हाँ हाँ, एक आप ही तो सही है, बाकी तो पूरी दुनिया गलत है। देखो शबनम, तुम बिला वजह मेरे मुंह मत लगा करो। मैं आपके मुंह लग कहां रही हूँ? सर हमने मुराद की सारी एक्टिविटीज चेक की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उमेर और मोहसिन से भी कुछ खास लीड नहीं मिली सर। खान, इस केस में ये तीनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट। नफीसा अभी तक गुमशुदा है, हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ने उसे किडनैप किया हो या फिर मार कर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया। सर इस सारी तहकीकात में एक और बात पता चली, नफीसा में एक बेहतर जिंदगी जीने की ख्वाहिश खुलकर सामने आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी यही ख्वाहिश है जिम्मेदार उसके गुमशुदा होने के पीछे। हो सकता है। सारे खाट टूट गए अबू, अब कुछ नहीं हो सकता। बेटा तू चाहती क्या है? आजादी इस कैद खाने से। कैद? बेटा साफ सुथरी जिंदगी गुजारने के लिए कह रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो ये है कि हम आपके घर पैदा हुए। सुनता ये आज की कमाई का? बेटा मेहनत से कमाई हुई रोटी का मजा ही कुछ और होता है। जी अब्बा खुश रहो। अबा दुबई में मेरी जॉब लग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बेटा मुझे तुम पे नाज, मेरी एक बात याद रख,
जिंदगी में हमेशा नेक राह पे चलना और कभी किसी गलत चीज के साथ समझौता मत करना। जी अब्बा। प्यारा बच्चा। चल, चल, चल। तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। नजीब ये सामान दे दो। माफ करना अल्ताफ मियां, पहले ही इतना पैसा चढ़ चुका है। अरे भाई तो चुका देंगे। कहां से चुकाओगे अल्ताफ मियां, शकील जेल में है, रिहान का दुबई जाना रहा और ना ही आपकी इतनी आमदनी है, कहां से चुकाओगे? माफ करो अल्ताफ मियां, माफ। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, रिजवान भाई। देखिए अल्ताफ भाई, आप बुरा मत मानिए, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी आपके घर में हो रहा ना, उसके बाद में अपनी बेटी फरजाना का रिश्ता आपके बेटे रेहान से नहीं कर सकता। आप कहीं और लड़की देख लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं निशान भाई? रेहान बेकसूर है, इसलिए तो पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। और रही बात नौकरी की, तो कोई दूसरी मिल जाएगी, इतने में ही जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। लेकिन ये रिश्ता आप खत्म समझिए, मैं लड़की का बाप हूँ, आप मुझे माफ कीजिए। हिस्ट्री शीटर्स के लिए कानून से मिली सजा या उनके ऊपर लगा जुर्म का ठप्पा किसी तमगे से कम अहमियत नहीं रखता, लेकिन सीधे साधे और बेगुनाह लोगों के लिए एक छोटा सा हादसा भी उनकी जिंदगी बदलने की वजह बन सकता है। रेहान, अरे अरे सुनिए, मुझे मर जाने दो। अरे मरे तेरे दुश्मन, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, मैं तो कह रही हूँ शकील का धंधा संभाल ले तू, और ये फरजाना को छोड़, इससे अच्छे और बड़े घर में शादी करूंगी बेटा मैं तेरी। बस करो शबनम, अरे कम से कम इस पे तो रहम करो, एक मेहनती बेटा था शकील, उसे शकील भाई बना दिया, नफीसा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर दी, उसका खमियाजा उसकी गुमशुदगी और बदनामी की शक्ल में सामने आया, अल्लाह जाने और कितनी कीमतें चुकानी पड़ेगी। क्या ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर लास्ट इधर है, अरे हटो, हटिए साइड हटिए। तो मिसिंग कंप्लेन वाली लड़की लगती है। एक काम करो, आसपास ठीक से चेक करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। हेलो, हमें एमपी नगर एरिया में एक लड़की की लाश मिली है जो आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। सर हुलिया से तो वही नफीसा लग रही है। ये तेरे लिए गिफ्ट। हाँ। मेरे लिए चूड़ियाँ। देखिए भाईजान, अभी तो मैं इन चूड़ियों से काम चला लूंगी, लेकिन जब आप दुबई से वापस आएंगे तो सोने की चूड़ियाँ लानी पड़ेंगी। पक्का? पक्का। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, बंद कर इसको। अरे सर, नफीसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह दीवार से सर टकराने से ब्रेन हैमरेज होना बताया गया है, और दूसरी बात, मौत की वक्त नफीसा 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी, गुमशुदगी वाली रात ही उसका मर्डर हुआ था सर। ये मुराद, मोहसिन और उमर थी, तीनों को उठाकर लेकर और डीएनए टेस्ट करवा, उन्हें रिक्वेस्ट करो कि रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें भेजे। खान, अब ये केस हम जल्द सॉल्व करेंगे। ओके सर। हाँ राशिद बोल। साहब, शकील के राइट हैंड इकबाल के बारे में एक बात पता चली है, 17 तारीख को वो नफीसा से मिला था। और हाँ साहब, सबसे जरूरी बात, अभी आपको वो सब्जी मंडी में मिलेगा। ठीक है, तू उस पे नजर रख, मैं पहुंचता हूँ। रो और जोर से रो, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। देख, आज तेरी चौखट से तेरी बेटी का जनाजा उठ रहा, वैसे ही जैसे मेरे वसीम का उठा था। तुझे पता है, आज ये नजारा देख के ना मेरा बदला पूरा हो गया।
अरे तेरी नफीसा को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन तेरी काली परछाई उसे भी ले डूबी, समझी? तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी बदुआ तुम लोगों को, मेरी बदुआ। देख तेरी लगाई आग में क्या क्या झुलस गया। चैन की एक रोटी नहीं खा सके। कल में पान कल में शाग शुदन लाइला। हर छोटे बड़े अच्छे बुरे काम में तो शकील का साथ ही रहा है। 17 तारीख को नफीसा तुझसे भी मिली, क्यों? हाँ सर, वो मुझसे मिली थी, कुछ परेशान थी। नफीसा, ए नफीसा, रुक क्यों रही है? क्या हुआ? वो भाईजान। अरे बता ना, किसने कुछ बोल दिया, कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं भाईजान, कुछ नहीं। बता, मुझे बता। नहीं भाईजान, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़। नफीसा, भाई शकील के डर से तो कुछ छुपा तो नहीं रहा है? नहीं सर, वो मेरी छोटी बहन से हटकर और कुछ नहीं है। ठीक है, जा तू। ठीक, सलाम सर। सर, नफीसा के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए मुराद का डीएनए से मैच हुआ। सर सच बोलो सर, इस बार अगर झूठ बोला ना तो देख लेना। बोल। सर मैंने आप लोगों से सच्चाई छुपाई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अगर मैं बता देता तो उसमें नफीसा की बदनामी हो जाती। सर उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था, और ये बात खुद नफीसा ने मुझे आके बताई थी, लेकिन तब तक उसे ये पता चल गया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। नफीसा, मेरी नफीसा। मुराद, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन मैं अब तक तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। लेकिन जिस बच्चे को मैं अपने प्यार की निशानी समझ रही थी उसे मैं अब खुद गिराऊंगी अपने हाथों से। नहीं देखो देखो नफीसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुम कहोगी ना तो मैं अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे दूंगा, ठीक है? कितने घटिया इंसान हो तुम, तुम्हारी नजर में किसी भी औरत की इज्जत ये है? मुझे कॉल करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शकील भाई ठीक कहते थे, तुम किसी लायक नहीं हो। नफीसा नफीसा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो नफीसा को क्यों मारा? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सर सच में सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं रिश्ते के लिए उनको बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो बात खत्म हो गई थी सर। अब मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, यकीन कीजिए सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि नफीसा के प्रेग्नेंट होने की खबर शकील को पता चल गई हो और गुस्से में आके उसी ने अपने आदमियों से नफीसा को मरवा दिया हो, क्योंकि शकील गुंडा जरूर है लेकिन अपने घर और घर की इज्जत को लेकर बहुत हसास है। एक छोटी सी छेड़छाड़ को लेकर अगर वो मुराद को पिटवा सकता है या वसीम की जान ले सकता है, तो अपनी ही बहन नफीसा की प्रेग्नेंट होने की खबर सुन के उसे जिंदा छोड़ने वाला में से नहीं। ये शकील का काम अब इकबाल देखता है ना? जी सर। अगर मुझे पहले पता होता कि नफीसा इस हद तक गुजर जाएगी तो मैं ही उसे मरवा देता, और जिस दिन अपने आदमियों से मुराद को पिटवाया था उसे भी मरवा देता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये काम तो अब भी कर सकता है, हम तेरी बात का यकीन क्यों करें? क्योंकि मुझे लगता है नफीसा को किसी और ने नहीं, वसीम की मौत का बदला लेने उसकी माँ अमीना ने या तो मरवाया है या खुद मारा है, क्योंकि नफीसा की मैयत वाले दिन वो हमारे जले पर नमक छिड़क रही थी। हाँ, मैंने मारा है नफीसा को, मेरी बद्दुआओं ने मारा है उसे। अरे जिस लड़की की वजह से मेरा घर तबाह हो गया उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपको पता है बहू बना लेती मैं उसे, लेकिन वो लड़की अपनी माँ की तरह पैसों की भूखी और लालची निकली, मेरे बेटे वसीम को मरवा दिया और उस मुराद को फांस ली। आपके चेहरे पर ये घाव कैसा? ये घाव ये भी उस शबनम ने दिया है मुझे।
बस। तो 17 तारीख को आप अपनी बेटी नफीसा से नहीं मिले, याद कीजिए, शायद उसने आपको कुछ बताया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना, उसके घर से निकलने के बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। झूठ बोल रही है आप, लेकिन आपके कंगन ने हमें सब कुछ सच बता दिया। अब भी कुछ कहना है आपको? सच सच बताओ, नफीसा को क्यों मारा? मैंने नफीसा को एक दिन 2-4 बार उल्टी करते हुए देखा था। हाँ अम्मी, ये सच है, मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन उस मुराद ने मुझे धोखा दे दिया। वो पहले से शादीशुदा है और अब मुझे उससे शादी भी नहीं करनी है, और मैंने सोच लिया है कि मैं इस बच्चे को गिरा के रहूंगी। तू है कहाँ अभी? मैं बड़े मैदान के पास हूँ अम्मी। तू वहीं रुक, मैं आती हूँ वहाँ। जी ठीक है। फिर मैंने फोन रखा और मैं उससे मिलने निकल पड़ी मैदान में। अरे नफीसा तू रो क्यों रही है? अरे यही मौका है, मैं कहती हूँ मुराद को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ले। लेकिन अम्मी वो शादीशुदा है। अरे शादीशुदा है तो क्या हो गया, कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे थोड़ा पैसा तो देगा, और अगर ना भी दे तो तू उसकी दूसरी बीवी बनकर रह जाइयो। ये बच्चा गिराने की क्या जरूरत है नफीसा? देख इससे सबका भला हो जाएगा नफीसा। अरे वाह अम्मी वाह, आज मुझे आपको अम्मी कहते हुए भी शर्म आ रही है। इससे अच्छा होता मैं किसी कोठे वाले की बेटी होती, कम से कम मुझे ये तो पता होता कि मेरी माँ ही है जो मेरा खुलेआम सौदा कर रही है। अरे घिनाती मुझे आपको अपनी अम्मी कहते हुए। तमीज, अपनी माँ से ऐसे बात कर रही है? नफीसा, 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 अरे नफीसा उठ। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहती थी। मैंने उसका पर्स और मोबाइल नाले में फेंक दिया और उसकी लाश को झाड़ियों में दबा दिया। माँ कहने के लायक ही नहीं हो। अब जिंदगी भर जेल में सड़कर ये सोचते रहना कि जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए था। शबनम ने अपने बच्चों को खुशी देने के लिए जो रास्ता चुना वो उन्हें बर्बादी की राह पर ले गया। नफीसा की मौत खुद शबनम के हाथों हुई। शबनम को सजा हुई, शकील ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अल्ताफ मियां और रेहान के लिए ये एक दर्दनाक सच था जो तबाही की शक्ल में उनके सामने आया था। कड़वी सच्चाई तो ये है कि शकील को शकील भाई बनाने में सिर्फ शबनम का ही नहीं बल्कि समाज का भी हाथ है, जो कानून और व्यवस्था के दायरों को तोड़कर अपना काम आसानी और जल्दी से करवाने के चक्कर में ऐसे लोगों को वजूद में लेकर आता है। याद रखिए, जुर्म से खुशियां पाने का रास्ता बहुत छोटा होता है। इस रास्ते पर जो कुछ भी मिलता है उससे कहीं ज्यादा खोना भी पड़ता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.